दोस्तों स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दोस्तों आज हम दिखाएंगे डोर मेकिंग फुल प्रोसेस, उसको किस तरीके से बनाया जाता है, कौन से सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और उन सेक्शंस के कोड्स क्या होते हैं, नट बोल्ट कैसे लगाए जाते हैं, एंगल कैसे लगाई जाती है, मार्किंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, इसकी मार्किंग किस तरीके से करते हैं। अब देख लिए हमने 3/4 इंच का जो बॉटम हम नीचे लगाएंगे और टॉप में लगाएंगे, उसके लिए हमने क्या किया है, हमने निशान लगा लिया है ताकि हम इसमें एंगल लगा सकें और 3/4 इंच को जोड़ सकें। तो इस तरीके से इसके जो निशान लगाए जाते हैं इसकी मार्किंग की जाती है। तो ये हम मैं कह रहा हूँ 220 की दो दो गड्डी चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से पल्ले में जब हम पल्ला बनाते हैं तो उसमें एंगल जो नट बोल्ट से हम लगाते हैं पल्ला बनाते हैं तो किस तरीके से बनाया जाता है, देख सकते हैं हम किस तरीके से इसमें नट बोल्ट लगाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये दो सूत मोटा ये नट बोल्ट होते हैं जिसको हम पल्ले बनाने में यूज करते हैं, यानी जब पल्ले को कसते हैं तो इसमें ये नट बोल्ट यूज किए जाते हैं। यहाँ पर निशान लगाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, जब हम निशान लगाते हैं होल करते हैं यहाँ पर तो इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये होल बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर आ जाए और ये एंगल पर भी कस जाए और नट बोल्ट नीचे से लग जाए आराम से। ये देख सकते हैं निशान लगाने का तरीका, ये देख सकते हैं दोस्तों एंगल, जब एंगल में हम नट बोल्ट लगा लेते हैं तो उसको किस तरीके से कसा जाता है ये मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये देख सकते हैं हम इधर 3 स्क्रू लगा देते हैं जो कि सेल्फ टेपिंग स्क्रू होते हैं, जिसको हम हाईलैक्स स्क्रू भी बोलते हैं, चाइनीज स्क्रू भी बोलते हैं। तो उस तरीके से ही इसको कस दिया जाता है जैसा कि मैंने अभी वीडियो में आपको दिखाया। इधर भी हमने यानी कि पल्ले के जो हम टॉप और बॉटम होता है उसमें जो हम स्क्रू मतलब नट बोल्ट से ही उसको लगाते हैं, नट बोल्ट का भी इस्तेमाल करते हैं और एंगल का भी इस्तेमाल करते हैं। ये एंगल हमने थोड़ा गलत लगा दिया है, इसको हम खोल लेंगे और यहाँ पर नट बोल्ट का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरीके से यानी कि क्योंकि क्या है कि हम इधर तो एंगल लगाएंगे इधर भी एंगल लगाएंगे, क्योंकि हमने जो इसमें दो सेक्शन यूज किए हैं वो 3/4 पौने 2 के सेक्शन यूज किए हैं, जिसका कोड मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं और अब भी मैं बता दूं 45-28 का वो सेक्शन होता है और ये जो हम पल्ले में जिसमें हम कब्जा लगाते हैं वो सेक्शन होता है हमारा 45-06 और जिसको मतलब चौखट पे जाकर टिकता है जिसमें हमारा लॉक वगैरह लगते हैं उसको हम बोलते हैं 45-07। अभी देख सकते हैं हमने होल इधर कर लिया है जो कि हमने 2 सूत के बिट से किया है, जेके का बिट हमने इस्तेमाल किया। इधर भी अभी यहां पर देख सकते हैं हमने जैसा कि होल किया था और होल में बिल्कुल थिक सा रहा है, काफी अच्छा थिक सा रहा है, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये देख सकते हैं इसमें इधर नट बोल्ट लगे हुए हैं और इधर भी इसमें नट बोल्ट का इस्तेमाल हमने किया है। देख सकते हैं जहाँ पर अभी हमने होल किए थे वो हमारा बॉटम था और ये हमारा टॉप की तरफ का हिस्सा है, तो इसमें भी हम निशान लगा लेते हैं। अब इसमें होल करेंगे, थोड़ा पांव पीछे रख, पांव हमारा तरीके से होल किया जाता है, यानी कि नट बोल्ट लगाने के लिए किस तरीके से होल किया जाता है ये देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हमारा पल्ला बन जाता है और जब यहाँ पर इधर की तरफ से हम स्क्रू लगा देते हैं, इसको थोड़ा और चौड़ा कर लेते हैं। ये जो जैसा कि अपनी हमने होल कर लिया है तो ये होल ये जो जैसा कि
ये टॉप की तरफ का हिस्सा है, तो इस तरीके से ये अभी मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके से आता है और इस तरीके से होल में चला जाता है। इधर की तरफ से हम स्क्रू लगा देते हैं, तो इस तरीके से ये इस तरीके से बन जाता है। अब ये देख सकते हैं उधर का तरफ का हिस्सा है, इस तरीके से लग जाता है। तो इस नट बोल्ट का भी इसमें इस्तेमाल होता है और स्क्रूज का भी इस्तेमाल होता है इसमें, यानी कि स्क्रू से भी इसको लगाते हैं और नट बोल्ट से भी इसको बनाते हैं। अब हम इधर की तरफ से स्क्रू लगा लेंगे और इसको एक तरफ से फिक्स कर लेंगे, बाकी बाद में उसमें हम एक तरफ से नट, यानी कि जो हमने नट बोल्ट वाली एंगल थी उसमें नट बोल्ट कस लेंगे। ये देख सकते हैं हमने उधर की तरफ का भी जो डंडा था उसको बिल्कुल कस लिया है, और इधर देख सकते हैं ये एंगल हमारी नजर आ रही है, तो इस तरीके से ही हमने इसको लगा लिया है। अब जब पूरा डोर, बीच का मिडल क्या है कि बीच के मिडल में एंगल का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें किसी तरीके का कोई नट बोल्ट नहीं लगाए जाते, तो इसको पहले ही हम फिक्स कर लेते हैं। इसका पूरा प्रोसेस हमने दिखाया, क्योंकि पहली वीडियो में भी हमने आपको कटिंग इसकी दिखा दी थी, तो अब सिर्फ हम इसका जोड़ जोड़ आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इसको जोड़ा जाता है, खासकर नट बोल्ट पे, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं सर नट बोल्ट पे आपने नहीं दिखाया, पहली वीडियो डाली थी उसमें नट बोल्ट पे नहीं मैंने बनाया था। तो ये देख सकते हैं, अब ये देख सकते हैं इस पल्ले को हम दूसरी तरफ से जोड़ देंगे। एक तरफ से हमने डाल दिया है, ये बीच के मिडल का हिस्सा है, अब उधर की तरफ से हम इसको डाल देंगे, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको हमने बना दिया है, अब इसको हम सिर्फ कसेंगे, तो अभी मैं दिखाऊंगा इसको नट बोल्ट पे को किस तरीके से कसा जाता है। अभी देख सकते हैं इधर से फिक्सिंग इसकी हो रही है। ये देख सकते हैं इधर से हमने फिक्स कर दिया है। ये देख सकते हैं कस दिया हमने इसको, बिल्कुल लगा दिया है, बीच का जो मिडल था हमने उसको लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे टॉप की तरफ का हिस्सा है उसको भी कस लेते हैं। इस पे एक ड्रिल मशीन, तो ये देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से नट बोल्ट को कसा जाता है जब हम पल्ला बना लेते हैं और उसको कस लेते हैं, तो किस एंगल के, पहले हमने जब दिखाया आपको एंगल लगाने के बाद, अब इसको कसने की बारी है, तो इसको किस तरीके से कसा जाता है देख सकते हैं। ये मैंने जैसे कि बताया था दो सूत का बिट इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरीके से ही हम इसको कस लेते हैं नट बोल्ट को। नीचे भी हमने नट बोल्ट को इस तरीके से किया कसा, और ऊपर जैसे कि टॉप ये देख सकते हैं पूरा पल्ला, तो वहां पर भी नट बोल्ट को इस तरीके से ही हमने कस लिया था। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से इसको कस लेते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं हमने क्लिप काटने का प्रोसेस, कलम में किस तरीके से क्लिप को काटा जाता है यही हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कलम में हमने किस तरीके से काटा, ये देख सकते हैं क्लिप को काटने के बाद उसमें क्या करते हैं हम, क्लिप की जब टेपर में काट लेंगे तो उसमें थोड़ी फाइल लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग काफी अच्छा है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, तो काफी अच्छी फिनिशिंग आती है, ये देख सकते हैं। तो क्लिप को काटने का तरीका यही होता है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये देख सकते हैं ये हमने हाइट इसकी क्लिप की काट ली है और ये टेपर हमने इधर लगा दिया है। दोस्तों देख सकते हैं टेपर कटिंग यानी कि कलम में किस तरीके से काटी जाती है, बहुत ही आसान तरीका होता है। ये देख सकते हैं इस वीडियो को देखकर आप टेपर में क्लिप काटना बहुत आसानी से सीख जाएंगे, को किस तरीके से चलाते हैं ये देख सकते हैं, तो काफी ज्यादा आसान होता है।
ये देख सकते हैं फाइल किस तरीके से लगाते हैं, कलम को काटने के बाद फाइल किस तरीके से लगाते हैं। ये देख सकते हैं क्लिप को फंसाने का तरीका, क्लिप को किस तरीके से फंसाया जाता है। ये देखेंगे अभी आप कि टेपर क्लिप को किस तरीके से फंसाया जाता है। ये देख सकते हैं क्लिप को फंसाने का बहुत ही आसान तरीका और सरल तरीका होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं डोर हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है और इसको हमने बना दिया है। तो देख सकते हैं मैं इधर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ, कब्जे भी देख सकते हैं हमने, कब्जे जो लगाए हैं वो स्टील के कब्जे इसमें यूज किए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ भी हमने स्टील के, मतलब कब्जे जो इसमें हमने इस्तेमाल किए हैं वो इसमें हमने 4 इंची के जो SS के कब्जे आते हैं हमने उनका इस्तेमाल किया है। मैं थोड़ा दूर से आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं डोर, जिस डोर को हमने बनाया है इसमें हमने क्या किया है कि इसमें हमने 12mm का जो पार्टिकल बोर्ड होता है हमने उसका इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों हमने इसका जोड़ना बताया किस तरीके से जोड़ते हैं नट बोल्ट से और एंगल से, कौन सा स्क्रू लगाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।